अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं हरी मोहम्मद डॉक्टर शबा रनाज और डॉक्टर नसरुल्ला राना साहब के साथ हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे बच्चों की तालीम, तरबियत और सेहत के बारे में जी, क्योंकि देखा यह गया है कि नो डाउट तालीम पे बहुत फोकस्ड होते हैं पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा, इवन बच्चे भी, लेकिन इसके अलावा तरबियत तो खैर घरों में होती है और नो डाउट पूरी कोशिश की जाती है, पेरेंट्स कहीं भी चूक नहीं खाते, नज़र रखते हैं और रखनी भी चाहिए। वैसे असल जो प्रॉब्लम है वो है सेहत, हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बारे में बहुत कम, आई एम सॉरी टू से, बहुत कम लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक सेहत अच्छी नहीं होगी तो माफ़ कीजिएगा तालीम वो नहीं ले सकता बच्चा जो उसे लेनी चाहिए, क्योंकि उसको पूरा हेल्दी होना चाहिए जब वो अपने स्कूल जाए या यूनिवर्सिटी जाए या कहीं भी, क्योंकि नॉर्मली देखा यह गया है कि बच्चे आजकल, हम अगर स्कूल लाइफ की बात करें, इवन बड़े भी एक बैग रखते हैं पीछे ना, उसके रखने से जो उनका पोस्टर है वो बड़ा असरअंदाज होता है आने वाले वक्तों में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर शबानाज और डॉक्टर नसरुल्ला राना साहब से कि वो क्या कहते हैं और इसको किस तरह से दूर किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में इसका असर ना हो उनकी हेल्थ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वीनस टीवी और आपका स्पेशली कि आप होस्ट करते हैं और हमें जब बुलाते हैं हम चले आते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये एक तयशुदा बात है, नो डाउट कभी कभी कोई और मेहमान आ जाते हैं क्योंकि मसरूफियात आपकी माशाल्लाह बढ़ती जा रही है और मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि आप आने बंद कर दें, अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए, तो आप तो भाई इसका हिस्सा है, ये तयशुदा इंशाल्लाह ताला नेचुरली ना, अनलेस एंड अनटिल कोई अगर हो जाता है तो फिर तो खैर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम ब्रेक ना हो, दैट्स ऑल, क्योंकि देखने वाले, क्योंकि देखने वाले आप लोगों के जो मैसेजेस हैं ना उनकी तरफ उनकी बड़ी तवज्जो रहती है, रियली काफ़ी मैसेजेस आते हैं, अगर कभी कोई और गेस्ट बैठ जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, आई मीन क्योंकि आपके अपनी मसरूफियात हैं, तो वो आते हैं कि भाई क्या हुआ, खैरियत इस हफ्ते क्या हुआ, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है भाई सॉरी उनकी ये मसरूफियात हैं, जैसे मतलब ये कि नॉर्मली आप हर प्लेटफॉर्म पर हैं, अवार्ड सेरेमनीज हैं, जगह जगह माशाल्लाह अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, पूरी कोशिश करते हैं आपके कोई जगह ना छोड़ें बेहतरी के लिए, तो सर थैंक यू वेरी मच, मैं मेरा पूरी टीम वीनस चैनल आप दोनों का शुक्रगुजार है कि आप टाइम निकालते हैं और जब भी रियली जब भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कोई भी कंडीशन हो आपकी, यानी आपको कहीं जाना भी होता है तो उसको ड्रॉप करके आ जाते हैं, तो जज़ाक अल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, मेरे ख्याल से कुछ काम की बातें भी हो जाए। डॉक्टर साहब आप टॉपिक तो खैर आप ही बताते हैं, हमारे जो चीफ हैं डॉक्टर नसरुल्ला साहब, ये जो हेल्थ के बारे में जो पेरेंट्स हैं वो ज़रा कम तवज्जो देते हैं, उनकी तवज्जो ज़्यादा तालीम पे होती, होनी चाहिए वैसे, नो इशू, आई मीन उसको हम वो नहीं करते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ की तरफ, और ये आजकल बैग न सिर्फ स्टूडेंट्स, न सिर्फ बच्चे, इवन बड़े भी देखा गया तो उसके वैसे इनका थोड़ा सा यूँ हो जाते हैं, मैं महसूस करता हूँ, मेरी अपनी नवासी है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, हमारे सुनने वालों को इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा और ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो गाइड करें कि ये क्या हो रहा है, क्या ये बेहतर है या इसका कोई बदल होना चाहिए या क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस टॉपिक को चूज़ करने की वजह भी ये चिल्ड्रंस डे आया अभी 2-3 दिन पहले, तो हम लोग इसीलिए बहुत सारे सेशंस किए, डिफरेंट चैनल्स पे भी किए, आम तौर पे स्कूल्स वगैरह में भी अवेयरनेस दी, तो जहाँ तक ताल्लुक है बैग का, जैसे हम बात कर रहे थे बैग पैक्स जो हम लेते हैं बैग के, तो उसमें खाली बच्चे ही नहीं बल्कि बाकी सारे लोग भी, आपने देखा होगा ट्रैवल करने के लिए जो रहते हैं या दूसरे लोग भी बैग पे जो है बैग्स लेते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम यही कहते हैं ना बच्चा पढ़ने जा रहा है अब ये तो मजबूरी है कि हमने बैग लेना है, हैवी बैग लेना है, लेकिन हर चीज़ की कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ उसके रूल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो वो चीज़ें इस्तेमाल में नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जितनी भी नई आप देखें डिफरेंट, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया, और अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं तो हम उन आसानी
आसानियों से महरूम हो जाते हैं। तो हमने उन आसानियों को मुश्किल में या नुकसान में कन्वर्ट अपनी गलतियों से किया है। चीज़ें तो वो हमारी आसानियों के लिए हुई, टेक्नोलॉजी आई वो हमारी आसानियों के लिए, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया नुकसान में। उसका एक्सेसिव इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल और उन रूल्स के खिलाफ इस्तेमाल जिन रूल्स पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये चीज़ें हम इनका इस्तेमाल तर्क नहीं कर सकते, अगर हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा सा बनाते हैं। और जैसे आप ये कह रहे थे ना, हम डिफरेंट जगहों पर मसरूफ़ रहते हैं, उसकी रीज़न यही है कि देखिए, आप जब अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप एक हेल्दी पर्सन हैं, तो आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये एक रोल मॉडल बनना चाहिए हमें उन लोगों के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं या जो बच्चे अभी आगे आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। अब जैसे हम कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ काम करें, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, उसके साथ लोगों को एजुकेशन देना भी ज़रूरी है, सोशल भी होना ज़रूरी है। अभी आज भी हमारा एक शान पाकिस्तान के नाम से एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो मुझे मिल रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप ये देखिए, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज भी आई हैं जिनमें वो लोग जो पाकिस्तान की शान है, और ये बहुत ज़बरदस्त अवार्ड है। अभी आज है रीजेंट प्लाजा में 4 बजे, और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात आएंगी, गवर्नर हमें मतलब ये देंगे अवार्ड। तो आप ये देखें, अप्रिसिएशन भी है, और लोगों की अप्रिसिएशन के, जो लोग काम करते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी कोशिशें हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं। तो हम लोग भी इसका पार्ट बन रहे हैं, आप लोग भी इसका पार्ट हैं जो इसको आगे लेके चल रहे हैं हम सेशंस को। ये बड़ी अच्छी बात की, शान पाकिस्तान जी, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। थैंक यू। ये तो आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया नहीं, मतलब पहले मैं बताता लोगों को। जब मिल जाएगा तो अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे भी। ये एक्चुअली इन्होंने वो जो मेरे अल्फाज थे जो मुझे बताने थे वो इन्होंने खुद ही बता दिए। ये सारी बातें तो हमारे बताने की होती है। नहीं, कोई शक नहीं, आपका भी बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है डॉक्टर साहब, आप बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन यू कैन से, आई मीन। लेकिन खैर, हम आपको लेके आए हैं। अच्छा, आप इसके वेट का, सॉरी मैं मिस कर दिया, आपने पूछा ना कितना वेट होना चाहिए, तो ये इन बैग्स का एक असूल है कि आपने जो अपना टोटल बॉडी वेट है उसका आपने 10-20% जो है वो आपके बॉडी वेट का इसका वजन होना चाहिए। अच्छा। जो आप बैग पे पैक लेते हैं। अच्छा। तो ये अगर आप इस रूल पे चलते हैं, आप उतना वज़न, जैसे 120 पाउंड जो है वो अगर आपका वज़न है किसी का, तो उसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं 10-20%, तो आपका वेट जो है वो कितना, 30-40 वो भी पाउंड्स में ही आएगा। हाँ। अब क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि देखे, जो वेट होता है वो बच्चों के वेट से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम तो अगर बात कर रहे हैं, बड़ों की बात कर रहे हैं अगर वेट की ना, तो अगर सपोज करें किसी का 50 kg है फॉर एग्जांपल, तो 50 kg मींस यू कैन से के 120 पाउंड, 120 पाउंड यानी वो वही है 50 kg 50 kg। हाँ। तो 10 kg से ज्यादा ना ले वो, या 8 kg, 10 kg बहुत हो जाता है। नहीं, मतलब तो बच्चों का उनके वेट के हिसाब से कैलकुलेट। हाँ, ये तो एक फॉर्मूला है ना, एक रूल है कि भी आपने 10-20% वेट, जो भी बॉडी वेट है, 40 kg भी है, 30 kg भी अगर वेट है, तो उसका उसके हिसाब से। देखिए, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए इसको, कि जो वेट है बच्चों का, बड़ों का, व्हाटएवर द केस में भी, इसको आप जहन में रखें कि उसका 10-20% मैक्सिमम, अगर इससे ज्यादा होता है तो ये बहुत ही नुकसानदेह जी, सॉरी। तो एक तो आपने ये बता दिया कि 10-20% मैक्सिमम, आई मीन ये एक मतलब वो है। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? असल चीज़ यह है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने देखा है कि बच्चों के स्कूल्स के जो बैग्स हैं उनका वेट बढ़ता चला जाता है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ता। हाँ। और अगर बहुत सारे बच्चों का वेट बढ़ता चला जाता है तो उस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो अपनी एज के हिसाब से वेट क्यों गेन कर रहे हैं। जी। क्या वो जंक फूड की तरफ तो नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है उनका वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो, उनकी तरफ माँ बाप को तवज्जो देनी चाहिए, उनकी खुराक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथन पर डिपेंड करता है आप इतना हैवी बैग जो लेते हैं। तो आपको, माँ बाप को चाहिए कि उनकी डाइट का ख्याल रखें। आपने देखा होगा कि अक्सर माँ बाप की पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, शिकायत ये होती है कि बच्चा कुछ नहीं खाता। जी। माँ बाप को जब पीडियाट्रिशियन सवाल करता है कि क्या ये पापड़ तो नहीं खाता है, क्या तो ये टॉफ़ी वगैरह तो नहीं खाता है, तो वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत खाता है। तो बच्चा जब अपना स्वीट्स खा लेता है तो उसका शुगर लेवल वो अचीव कर लेता है अपना एक लेवल, तो फिर उसके बाद उसको भूख नहीं लगती। अच्छा। तो इस वजह से फिर वो बच्चों का अंडरवेट रहते हैं बच्चे, और इसका बहुत माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए।
फिर उल्टी सीधी चीज़ें जो स्कूल्स के बाहर मिलती हैं वो बच्चे उसको ज़्यादा चटपटी चीज़ें जो होती है उस तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। तो बहुत आसान तरीके हैं माँ बाप को, और जो देखें सबसे ज़्यादा जो इस एज में ज़रूरत होती है विटामिन डी की ज़रूरत होती है जैसे, और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो वाफर मकदार में अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने विटामिन डी जो है हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। प्रोटीन बहुत अच्छी आपको जो मिलनी चाहिए, जो मसल्स की बॉडी बिल्डिंग के तौर पे काम करती है, जो मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए होती है, वो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है, हमारे नट्स में होती है, आजकल सर्दियाँ जैसे हम जिक्र करेंगे आगे तो इनमें होती है, हमारे जो कुछ हमारे खाने हैं उसमें होती है, लेकिन जंक फूड से हमेशा परहेज़ करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से एक हमेशा से जो हम बात कर रहे हैं कि बाहर का खाना जो है ना उसको तो इग्नोर ही किया जाए, देखा गया है अमूमन, कोशिश करती हैं माएँ स्पेशली, क्योंकि ये तो बाप का शोभा ही नहीं है ना कि बच्चों के वो घर से तैयार करके दें, एक तरह से उसे आप लंच कह सकते हैं आई थिंक सो ना, थोड़ा सा मतलब लंच ब्रेक के बीच में भी जो होता है, ब्रेकफास्ट के बीच में जो होता है, ताकि जब उनको ब्रेक हो तो वो उसको थोड़ा सा खा लें ताकि फिर उनकी एनर्जी आ जाए। तो क्या ही अच्छा है कि हमारी माएँ, आपकी तरफ इशारा है, अब आप फिर आज छेड़िएगा औरतों को और हो गया काम, लास्ट टाइम बड़ी बातें आई हैं कि ये व्यूअरशिप ज़्यादा थी मुझे तो ये आया कि क्या डॉक्टर साहिबा भाई हमारे बारे में इतनी बातें कर रही है, लेकिन ये फैक्ट है डॉक्टर साहिबा कि माओं का फ़र्ज है थोड़ा सा अर्ली उठना, क्योंकि अक्सर माएँ खुद भी जॉब कर रही होती हैं। अब ये भी एक बहरहाल आजकल जो हालात जा रहे हैं, जो महंगाई है, जो हालात हैं, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, तो माओं का फ़र्ज़ है कि वो इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें और घर से कुछ बना के दे दिया करें। तो मैं समझता हूँ वो हर लिहाज से हाइजेनिक भी होता है, घर का बना हुआ है, बच्चों को कोई तकलीफ भी नहीं होती, और बाहर का खाना कमर्शियल होता है, जाहिर है वो क्या यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, हमेशा हमने इसके ऊपर बात की है, तो इग्नोर किया जाए, क्या कहती हैं इसके बारे में आप? नहीं, असल में इस ये बात ये है कि बहुत सारी माएँ बना के देती हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते। बच्चों का असूल ये है, मेरा अपना बेटा भी ये था कि बना के तो ले जाता था अपनी पसंद का लेकिन अपने दोस्तों को खिला देता तो बच्चों का ये है कि बच्चे जो है वो असल में उनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की भी है, अक्सर माएँ तो बना के देती हैं, जो नहीं बना के देती वो भी ये प्रोग्राम सुनने के बाद हो सकता है वो भी ट्राई करें। असल में माएँ क्यों नहीं बना के देती, वो अगर लंच बना के देती हैं तो बच्चे खाते नहीं है, वापस आ जाता है, या फिर अगर खाते नहीं है तो फिर दोस्त उनके खा लेते हैं या किसी को दे देते हैं। तो असल वजह यह है कि आपने बच्चों को खाना देना है, फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि लंच टाइम में वो बच्चों को चेक करें कि पहले टीचर्स वो बच्चों को, जैसे स्पेशली छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बड़े तो अपना फिर उसी हिसाब से खाते हैं, तो आप उनको लंच बॉक्स चेक करें और हर एक को उनके हिसाब से उनका लंच बॉक्स खोल के उनसे कहें, और टीचर का कहा हुआ बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं। असल चीज तो यह है कि घर से बच्चे जब जाते हैं तो उसका जो सेकेंड हाफ होता है वो तो इनकी टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि माँ बाप की नज़रों से तो बच्चे ओझल हो जाते हैं। अब वहाँ जाके वो जो करते हैं वो पेरेंट्स को नहीं पता चलता, पेरेंट्स का जो फॉलोअप होता है वो जो उनका वो लंच बॉक्स देख के करते हैं, या तो लंच बॉक्स में खाना वापस आता है तो माएँ कहती हैं कि ज़रूरत नहीं ये खाना देने की, जाहिर है बच्चा नहीं खाता तो बाजार का ही खा ले, भूखा रहने से बेहतर है, और दूसरा ये कि वो ये अगर खाली होता है समझती हैं खा लिया, लेकिन मुझे पता है अपने दोस्तों को खिला के आ जाते हैं बच्चे। एक बात यह मुझे याद है, ये आपने कहा स्कूल वालों को या कॉलेजेस वालों को या यूनिवर्सिटीज वालों को, तो ये जो बेचारे कैंटीन के ठेके होते हैं इसका क्या बनेगा फिर, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो तो रुक गई ना, आप ना करें ना इस तरह से बात। यहाँ एक चीज़ है कि 90% हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अच्छा, 90% तो 10% ऐसे हैं जो एलीट क्लास या वो प्राइवेट स्कूल्स में हैं। आप 20% लगा लें, आप थोड़े से प्राइवेट का स्कूल ज़्यादा हो गए तो, लेकिन ज़्यादातर जो है मेजोरिटी जो है, लेकिन हमें याद है कि जब हम लंच लेके जाया करते थे घर से मिलता था तो जो टीचर होते थे ना वो सबसे पहले खोल के देखते थे, यार ये राणा साहब का बच्चा है, ये अच्छा कुछ लाया होगा। अच्छा, तो सब होता है। बिल्कुल, वो कहेंगे कि भाई आप ज़रा लंच बॉक्स दिखाइए, और हम टीचर की नज़र में अच्छा होने के लिए तो हम तो टीचर को कहते थे खा लीजिए, तो हम खिला भी दिया करते थे, तो बात मिले हाँ वो टीचर की नज़र में अच्छे रहे हमें, मतलब बहुत अच्छा समझे, क्योंकि हम बेसिकली तो हम अगर देखा जाए तो हमारी स्टार्टिंग में और आप लोगों में हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए, फिर उसमें बाद में फिर हम कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में गए। तो बात यह है कि ये जो सिलसिला है ये माँ बाप को ही देखना है। माँ बाप देखे, असल में हम बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की, तो हेल्दी फूड के लिए ज़रूरी है कि हमें 0.5 जो मिलीग्राम है जी
वो प्रोटीन चाहिए होती है पर पाउंड पर पाउंड बॉडी वेट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक छोटा ब्रेक करेंगे और इसके बाद हेल्दी फूड्स को कंटिन्यू करते हैं। विद यू रिस्पेक्ट, अक्सर मैं आप ही को रोकता हूँ तो मुझे पता है आप बाद में कहते भी हैं मतलब ये क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलते ही उसी वक्त हैं जब ब्रेक का वक्त आ जाता है। तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हम वापस आते हैं, आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। देखिए बात है बच्चों की, बड़ों की, सबकी बातें हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे आने वाली जो जनरेशन है जिन्होंने सब कुछ संभालना है, हमें भी संभालना है, हमारे मुल्क को भी संभालना है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, आई मीन, और जो हमारी यूथ है उसकी तो क्या बात है, इसको हमने और बेहतर बनाना है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच। बात हो रही है बच्चों की और बच्चों की हेल्दी फूड के बारे में। जी डॉक्टर साहब सॉरी, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, हेल्दी फूड की बात कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, हमारी असल में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके हम माँ बाप को उनकी प्रोटीन का, उनकी विटामिन डी का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हमें खुराक से मिलती हैं, विटामिन डी हमें अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सनलाइट में वो दी होती है, और ये हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी प्रोटीन बच्चों को देनी है। एक आम इंसान के लिए, बच्चों के लिए 0.5 मिलीग्राम पर पाउंड ज़रूरत होती है, पर पाउंड बॉडी वेट। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चा जो है 40 पाउंड का है, मतलब ऑलमोस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब आप ये कह लें कि 18 केजी का है या 20 केजी का है, 20 केजी का तो आप डबल 2.2 से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उसे 0.5 का मतलब ये है कि अगर वो 0.5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रोटीन आ जाएगा। तो अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक 50 केजी का जो बच्चा है उसे 90 मिलीग्राम एक प्रोटीन चाहिए होती है, जो आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ये मसल्स की ग्रोथ के लिए नहीं है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने 0.5 मिलीग्राम पर पाउंड बॉडी वेट ये आपने देना है। अब आपको 3 मील मिलते हैं दिन में, आप 30-30 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आप बच्चों को दे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों को अगर आप नाश्ता देते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसमें आपको विटामिन डी भी है, प्रोटीन भी मिलता है, वो आपको मिल्क है, एग है, ओट मील है, तो इन चीज़ों में बनाना है जो बच्चे बड़े शौक से खा सकते हैं, तो ये आपको 30-35 मिलीग्राम मिल जाता है, एक मील की आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर अगर आप दोपहर का खाना देते हैं, आप अगर बच्चे ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड में है, अगर आप रोटी लेता है तो बच्चा रोटी के साथ, फिर उसके साथ किसी न किसी मीट की शक्ल में उसे दें, आप चाहे तो उसे फिश दें, चाहे तो उसे चिकन दें, चाहे तो आप उसे मटन दें, बीफ दें, लेकिन बीफ में क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मटन के, फिश के, मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन अगर विटामिन डी की हम बात करते हैं तो वो फिश में ज़्यादा होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी है तो उसको उसको एक दिन हफ्ते में 2 दफ़ा उसको फिश दे दें, लेकिन 3 दिन उसको, अगर वो चिकन पसंद करते हैं तो चिकन दें, 1 दिन हफ्ते में 1 दिन बीफ ज़रूर दें। अच्छा, तो ये तो आपके लंच का काम है। जी जी बिल्कुल। इसलिए आजकल देखें बहुत ज़्यादा मूँगफली आई हुई है, पीनट, तो पीनट में 60 एक मुट्ठी भर, बच्चों को कोशिश करें कि मुट्ठी भर उनको नट्स ज़रूर दिया करें, जिसमें आप देखें ना कि बहुत ज़्यादा पिस्ता है, बादाम है, और क्या नाम अखरोट है, और सबसे ज़्यादा मूंगफली में होता है, तो मूंगफली में 60 मिलीग्राम होता है एक मुट्ठी में, तो आप बच्चों को दें वो, ताकि उनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ये जो मैंने आपको एक रफ एक दिया है आइडिया, तो इसमें आपको बच्चों को रफ आइडिया से आपको प्रोटीन मिल जाती 90-100 मिलीग्राम एक उनके बॉडी वेट के हिसाब से। तो जैसे बच्चे छोटे हैं, फॉर एग्जांपल 10
केजी का अगर बच्चा है तो 10 केजी का बच्चा मतलब छोटे बच्चों की जी, बात बिल्कुल. हो रही है. 10 केजी से आप 50 केजी तक के बच्चे जो बैग हम बात कर रहे हैं तो उठा रहे हैं, तो उनको मसल स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आप और कोशिश करें कि बच्चे जो हैं जंक फूड ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि ना सिर्फ ये जंक फूड जो है उनको उनके मसल्स पे अफेक्ट करती है बल्कि लीवर पे भी अफेक्ट करती है. पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था फैटी लीवर का, तो उस पर अफेक्ट करती है, तो फिर उनकी डाइजेशन और उनकी एब्जॉर्प्शन ये सारी प्रॉब्लम करती हैं, तो फिर उनको अनहेल्दी फूड खाने की वजह से उनको और नुकसान होने शुरू हो जाते हैं. डॉक्टर साहब ये तो खैर बात आपने बड़ी अच्छी की. पेरेंट्स देखें नॉर्मली बड़ी डॉक्टर साहबा ने कहा कि माएँ बना बना के देती हैं, अब बच्चों को क्या करना है ये बच्चों को भी तो सोचना चाहिए ना. हम पेरेंट्स और टीचर्स की या स्कूल्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वो भी एक है एरिया है जिसको देखना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी तो डेवलप करे. आई मीन इसमें मैं समझता हूँ कि स्कूल का ज़्यादा हाथ है कि वो वहाँ जैसे आपने कहा कि टीचर ज़रा नज़र रखें, और ये और बात है कि टीचर उनके लंच के ऊपर नज़र रखती है, नज़र उनके उस पर ना रखें, उनके खाने पर रखें जो लाते हैं. और हम तो खूब बात की कि हम तो खूब खिलाते थे कि कुछ बेनिफिट्स मिले, और मिले भी होंगे लगता है, ऐसा ही है ना कुछ. होता क्या है कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा, और ये काम स्कूल ही कर सकता है क्योंकि माँ बाप तो छोड़ देते हैं बच्चों को, लाना ले जाना छोड़ना बहुत कुछ करती हैं, माएँ भी बहुत कुछ करती हैं, क्योंकि आजकल तो फादर्स क्योंकि इशूज़ बहुत बढ़ गए हैं कमाने के, तो बेचारे उसी में लग जाते हैं, तो माएँ छोड़ती हैं, ड्रॉप करती हैं कुछ, बहुत सारी आजकल तो रिक्शे भी चल पड़े हैं लेके ले, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है. वो रिक्शे में भी एक तरफ यहाँ बिठा के चला रहे होते हैं, जो कि जिसको भी नज़रअंदाज करना चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं एट द एंड ऑफ द डे. इवन सुजुकीस को भी अगर आप देखें तो पीछे खुला हुआ होता है और बच्चे बिल्कुल कोने में बैठे होते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए. एक पॉइंट मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो भी हाईलाइट करें, क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट डेवलप होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, कि वो बच्चों को जो आप बचपन से एक टेस्ट डेवलप कर दिया अगर माँ बाप ने जैसे नूडल्स की तरफ या किसी और चीज़ जंक फूड की तरफ, तो फिर इस वजह से भी हेल्दी चीज़ें बच्चे नहीं खाते. तो डॉक्टर साहब ज़रूर इस चीज़ पर रोशनी डालें, क्योंकि माँ होने के नाते ये सवाल का जवाब यही मुनासिब दे सकती है. वेरी गुड, चले जी. देखें मेडिकली एक असूल ये है कि अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन हो गया बच्चे का, तो बच्चे को भूख नहीं लगती और वो उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, हेल्दी फूड हो या कोई भी. तो कोशिश यही करनी चाहिए इस रूल के हिसाब से, आप बच्चों को मदर्स को चाहिए कि वो उनको एक्स्ट्रा पैसे ना दें, कि जो लंच दिया है अगर उसको भूख लगेगी उसका शुगर लेवल कम होगा, ऑटोमेटिकली वो जो उसके पास मौजूद है उसी में से खाएगा, ठीक है ना. और जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक है, एक दिन कोई दोस्त खिला देगा, दो दिन कोई दोस्त खिला देगा बाहर आपको रेस्टोरेंट का या आपकी कैंटीन का, अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर पेरेंट्स जो हैं वो एक हेल्दी फूड उसको लंच बॉक्स में दे रहे हैं, तो उसके साथ पैसे ना दें. अगर माएँ पैसे भी साथ दे देती हैं और थोड़ा सा खाना भी दे देती हैं, तो बच्चे खाना वापस ले आते हैं और उस पैसों से चीज़ खरीद लेते हैं. एक तो ये, कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि भाई आपने वहाँ से आपका एक अकाउंट खुला हुआ होता है, तो बच्चे जाते हैं चीज़ लेते हैं, बड़े स्कूल्स की बात बता रही हूँ, चीज़ लेते हैं, उसके बाद एंड ऑफ द जो है वो बिल बन के पेरेंट्स के उसमें आ जाता है अकाउंट में. तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो कि देखें, अब बात हम अगर पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, एलीट क्लास की बात करते हैं, तो उसमें ये गलती हो रही है कि आपने कैंटीन में उसका अकाउंट खुल गया है, वहाँ से वो चीज़ लेता है, महीने के आखिर में पेरेंट्स के पास फीस के साथ वो बिल में आ जाता है. तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको अगर हम करेक्ट करें, मतलब आप इसको एक मॉडरेट अमाउंट में कर लें. अब माएँ बच्चों को अगर लंच देती हैं तो पैसे साथ में ना दें, सबसे बड़ी बात. तो बच्चे का शुगर लेवल होगा, भूख लगेगी, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्टिविटी के पास उसके पास जो कुछ होगा वो खाएगा, और इस जम में वो आपका हेल्दी फूड खा लेगा. अच्छा, जहाँ तक हैवी बैग्स की आपने बात की, ये तो हो गया ना खाने का. अब देखें टेस्ट जो डेवलप, डॉक्टर साहब ने कहा ये टेस्ट माएँ ही डेवलप कर रही होती हैं, क्योंकि अब आपने अगर बच्चों को खाना दिया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो आपने उसको पैसे दे दिए, या बच्चे से कहा कि ठीक है तुमने जो खाना है मंगा लो. अगर माओ से हम ये सवाल करते हैं, वो कहती हैं भूखा रहने से तो बेहतर है बच्चा कुछ तो खाए, ये उनका कॉन्सेप्ट है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है. कुछ ना खाएं वो बेहतर है, वो हेल्थी खाए, थोड़ा खाए. अगर आप उसको भूख लगेगी और हर हाल में वो खाएगा. हम क्या करते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स दिला दी, बच्चों घर में अमूमन ये है कि बिस्किट्स रखें, चॉकलेट्स रखें, exactly. बच्चा जाता है मंचिंग की, उसके बाद उसका शुगर लेवल नॉर्मल, वो उसे भूख ही नहीं लगती, उसे वही चीज़ चाहिए होती है. जब तक वो चीज़ नहीं मिलती वो ज़िद में नहीं खाता, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी तो उसकी पूरी है. तो कोशिश यही करें कि वो चीज़ें घर में ना रखें. बच्चा अगर मजबूर करे तो उसके मजबूर करने से आप उसको ऐसी चीज़ों की आदत, उसका टेस्ट डिवेलप ना करें.
अब जो लोग देखें, अब आप देखें अरेबिक कंट्रीज में, आप देखें वो लोग जैसा खाना खाते हैं, हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, हम वो फूड नहीं खाते जी, बिल्कुल। वो देखिए आप, हम भी जब सऊदी अरब जाते हैं हमें उनका खाना डिफरेंट लगता है अपने से। वो ऑलिव ऑयल में पका हुआ होता है, और इसमें गोश्त देखें दुबे का होता है, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हेल्दी फूड वो लोग खा रहे होते हैं, खजूर खा रहे होते हैं, कहवा पी रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये रवायतें नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट अपना डिवेलप कर लिया, उनको वही अच्छा लगता है, उन्हें हमारी चाय अच्छी नहीं लगती। तो इस बात ये चीज़ साबित करती है कि खाने के जायका जो है वो हमारी ज़बान से, हमारे अंदर, हमारे जो माहौल है उससे रिलेटेड होता है। इसका ताल्लुक यानी कि हम ये कहें कि हेल्दी फूड, हमको चाय कोई इतना हेल्दी फूड नहीं है, वो कहवा पीते हैं जो कि एक हेल्दी फूड है, और उनका बच्चा बच्चा कहवा पीता है क्योंकि वो टेस्ट माँ उन्होंने डिवेलप किया हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम जंक फूड्स की तरफ आएँ। और अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी के मसल्स को बनाता है। अब जब हम स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी बोन्स ग्रोइंग एज में होती हैं, विटामिन D3 की कमी होती है, अगर D3 की कमी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बोन्स कमज़ोर होंगी, जब बोन्स कमज़ोर होंगी आपके मसल्स भी कमज़ोर होंगे, उससे क्या होगा, ये मसल से बोन हमारा फ्रेम वर्क बनाता है, और मसल्स जो हैं वो हमारा जो भी हम एक्शन करते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब जब हम बैग उठाते हैं तो हमारे मसल्स भी वर्क कर रहे हैं, हमारी बोन्स भी, तो एक बोन्स का होना भी ताकतवर ज़रूरी है और मसल्स का होना भी ज़रूरी है। अगर आप जैसे हम बैग गलत, जैसे ओवरवेट ले रहे हैं बैग पैक्स, उसमें ये होता है कंधों के ऊपर जो बारीक स्ट्रैप्स वाले हम बैग लेते हैं तो वो कंधों के ऊपर, यहाँ हमारी नर्व्स होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, तो बारीक जो वजनी बैग जो है उनके स्ट्रैप्स हमारे कंधों में घुसते हैं, हमारी नर्व को पिंच करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के हाथों में दर्द, उनके एल्बो में दर्द, सुन होना, हाथों में दोनों में जलन, माँ बाप बिल्कुल घबरा के डॉक्टर्स के पास जाते हैं हमारे बच्चे को क्या हो गया, जबकि ये छोटी सी एक लापरवाही है, छोटे से ऐसे बैग के डिजाइन की वजह से अगर वो इसको अवेयरनेस हासिल कर लें तो उनके बच्चे इन तकलीफों से बच जाते हैं। कमर का दर्द बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि जब हम हैवी बैग जो है बैग पे लेते हैं तो उसको वजन जो है ग्रेविटी जमीन नीचे की तरफ खींचती है, और हम उसको कंपनसेट करने के लिए कि हम पीछे ना गिरें, हम आगे की तरफ हो जाते हैं, यानी कंपनसेट कर रहे होते हैं हम। तो आने वाले वक्तों में ऐसा भी हो सकता है कि बंदा यूं हो जाए, एम आई राइट? तो है बच्चे, अब क्लिनिक में हमारे पास जो केसेस आते हैं स्पाइन स्किलियोसिस, यानी एक साइड पे स्पाइन टेढ़ी होगी, बच्चों ने पोस्चर, क्योंकि नरम हड्डियां होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं उस वक्त, तो जिस पोजीशन में बच्चे अपना बैग जैसे ऐसे रखते हैं तो उनकी स्पाइन कर्व में आ जाती है, उनकी स्पाइन का कर्व डिस्टर्ब हो जाता है, कमर में दर्द, कूलों में दर्द, उनके काफ मसल्स में दर्द, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अक्सर छोटे बच्चों की माएँ आके कहती हैं हमारे बच्चों के पैरों में दर्द होता है, उनकी टांगों में दर्द होता है, उसकी रीज़न ही यही है कि उनका वेट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर पॉस्चर नहीं होता, तो बोन्स कमज़ोर हैं, उनके मसल्स कमज़ोर हैं, जब आप वेट कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसका हल क्या डॉक्टर साहब, क्या मतलब, आई मीन हमारे ज़माने में मुझे याद पड़ता है हम तो यूँ बैग हाथ में यूँ बुक्स लेके जाते थे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बैगों का ना, खैर वो भी एक था कि इतनी सारी बुकें लेके जाना वो भी, बट दिस वन इज़ मोर डेंजरस आई मीन, आप देखें ना इतनी सारी चीज़ों पर इफेक्टिव होते हैं ये बैग्स, जो कि नो डाउट काफ़ी हैवी होते हैं, अगर कभी मैं भी अपनी नवासी का उठा लेता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इतना ज़्यादा वजन, तो ये तो सत्यनाथ, तो इसका हल क्या है? ये डॉक्टर साहब जो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब जो जिक्र कर रही है ना तो वो आपकी क्वेश्चंस का इसी में आंसर है, वो ये कह रही हैं कि क्योंकि बड़े स्टेप्स वाले, चौड़े स्टेप्स वाले आप बैग्स लें और वो थोड़ी सी अच्छी कंपनीज के होते हैं, हम माँ बाप जो है थोड़ा सस्ते के चक्कर में वो पतली स्टेप्स वाले बैग्स ले लेती हैं जो आपकी स्पाइन पे लोड डालते हैं। अच्छा। हम अब देखिए स्पाइन पे बैग को उठाना, हमने बाद में जिक्र किया, हमने अपने व्यूवर्स को ये याद दिला दें, क्योंकि हम पहले हम उनकी हेल्थ की बात कर रहे थे, इसलिए कि जब वो हेल्दी हैं, उनके मसल स्ट्रांग हैं, उनकी बोन स्ट्रांग हैं, तो वो हैवी बैग जो उनके वेट के हिसाब से होना चाहिए, डॉक्टर साहब ने उसको कैलकुलेशन करके बताया था, तो वो उस फिर उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, सब आपने देखा होगा कि बच्चों की सॉफ्ट बोन होती हैं, तो सॉफ्ट बोन विटामिन डी की कमी की वजह से भी होती है, आपने देखा होगा कि बच्चों की बोन लेग्स हो जाती हैं, वैसे टर्न हो जाती बोन्स, बुढ़ापे में भी ये बोन जो है विटामिन डी की कमी की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। तो हम शुरू में जो जिक्र कर रहे थे वो यही तो कर रहे थे कि भाई मसल्स को डेवलप करें, बाद में हम इस पॉइंट पे आए, हनीफ अहमद साहब ने जिक्र किया कि बैग्स का हम कैसे कैरी करें, आपके अगर मसल स्ट्रांग हैं, आपकी बोन स्ट्रांग है, आप प्रॉपर विटामिंस ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, तो जैसे हमने जिक्र किया था कि आप टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, अब जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो बच्चों को जो आदत होगी खाने की वही वो खाना खाएंगे। बिल्कुल सही।
ये बहुत पॉइंट जबरदस्त रेस किया डॉक्टर शिवाना ने कि भाई आप जो है ना उनके कैंटीन की तरफ बच्चों को मत जाने दें, कैंटीन की तरफ देखे आप उनकी डाइट में एक बनाना, छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको एग भी बॉयल एग अगर लेना चाहे बॉयल एग ले लें, तो उनके दूध, ये तीन चीजों का तो आप जरूर हिस्सा बनाएं उनके नाश्ते का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोपहर में अगर आप उनको लंच दे रहे हैं तो ब्रेड के बीच में आप थोड़ा सा एक चिकन का या बीफ का आप पीस रख दीजिए ताकि वो उसको हेल्दी एक उसको प्रोटीन भी मिल सके और विटामिन डी भी मिल सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अभी बैग का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको इजाजत हो क्योंकि आप वक्फा ले लेते मेरे। हाँ, मैं लेने वाला हूँ। क्या बात है सर, इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, हमेशा आप ही की तरफ आता है मामला। मसला पता ही क्या है कि हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और आई एम श्योर चूंकि ये सब प्रोग्राम आपका ही है, मेरा तो क्या है, मैं तो बिलावजह की बातें करता हूँ, असल मैसेजेस तो आपके हैं माशाल्लाह, आप लोगों के दोनों के। तो एक छोटे से ब्रेक सर, माइंड ना कीजिएगा प्लीज़। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। यहाँ एक बात मैं कहना चाह रहा था, एक बार फिर कहूँगा, देखिए हम कैंटीन्स की बात नहीं करना, उनके खिलाफ है ना, होना भी नहीं चाहिए। खैर, अच्छा है, वेरी गुड, होता है स्कूलों में। ये तो एक मैंने ऐसे ही मजाकन कह दिया था कि वो उसका ठेके का क्या होगा, मुझे पता है स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे होपफुली। मकसद ये है कि आप कैंटीन पर भी नज़र रखें, स्कूल आई मीन स्कूल वाले कैंटीन पर भी नज़र रखें, ताकि वो जो है ना इतने कमर्शलाइज ना हो जाए। बच्चों की सेहत का दारोमदार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, चाय पीते रहें आप और हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो प्लीज़ जो भी कैंटीन वाले हैं, जो कैंटीन रन्स करते हैं स्कूलों में, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मकसद ये नहीं है कि कैंटीनें बंद कर दी जाए, नहीं 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 नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स के लिए कि कैंटीन में कम से कम अकाउंट ना खुलवाया। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर नसरुल अनास साहब से ही, क्योंकि वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं। जी सर जी, कैंटीन की आप बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कैंटीन वालों के साथ आपका भी कोई लेना देना है, होना तो चाहिए ना। लेकिन कैंटीन वाले जो चीज़ें देते हैं वो सारी रेडीमेड होती हैं, और रेडीमेड जिस चीज़ों में कोई भी ऐसी, मेरे ख्याल में उसमें देखें ना, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, हर चीज़ है, वही हम अनहेल्दी चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, हम बैग्स की बात कर रहे थे, हम जिक्र करें कि उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो बाइक्स पे बच्चों को लेके जाते हैं और वो बैग्स पीछे लटके हुए होते हैं, और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में हाथ पैर बच्चों के ठंडे होते हैं और वो ग्रिप उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप देखें कि पीछे बच्चे बैठे होते हैं और बहुत हैवी बैग के साथ वो बैठे हुए होते हैं। इससे होता ये है कि दो तरह की फोर्स काम कर रही होती है, एक तो सामने से आपको हवा का फोर्स है और पीछे आपको जब नीचे आपको पुल कर रहा है आपका बैग जो है ग्रेविटी की वजह से, दोनों फोर्स को बच्चा जो है बर्दाश्त करके आगे की तरफ झुका हुआ होता है, तो खुदा ना खासा बच्चे की ग्रिप अगर लूज़ हो गई सर्दियों के मौसम में तो बच्चा गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो जान को भी खतरा हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, कोशिश करें कि बच्चों को आगे बिठाइए, अगर बच्चे बड़े हैं तो उसे पीछे बिठा सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, स्पेशली वो माँ बाप जो बच्चों को स्कूल अपनी बाइक्स पे छोड़ने के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं भी यही सोच रहा हूँ, आप बातें कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम एक और करेंगे हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला, एक तो पोलियो और दूसरा ये बच्चों के बारे में, ये जो क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, ये आई मीन इसमें काफ़ी चीज़ें जो मैसेजेस देने चाहिए। मुझे एक चीज़ याद आ रही है डॉक्टर साहिबा, आप यूके सर्टिफाइड है डिफरेंट कोर्सेज में, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरी एक चीज़ जहन में आ रही है कि अब हर बंदा तो उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता या वहाँ जा नहीं सकता, तो क्या ये मुमकिन है कि ये कोर्सेज हमारे मुल्क में अवेलेबल हों ईज़ीली, ताकि यहाँ रहकर मुस्तफीज़ हो सके आने वाले डॉक्टर्स, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ गाइड करें आप।
जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल के ज़माने में लेटेस्ट जैसे मैंने कहा टेक्निक्स आई हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, और जब हम मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं तो हमारा ताल्लुक पेशेंट्स की हेल्थ से होता है. Exactly. तो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड, क्योंकि दिन ब दिन ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो पेशेंट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं. इसी तरह से इन टेक्निक्स में ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है. अब इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी इसका इंतज़ाम किया है. कुछ ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गनी फिजियो के नाम से, वो लोग यहाँ पर जितने भी जो यूके एफिलेशन जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स उनके लिए करा रहे हैं, और उसमें वही टेक्निक्स जो वो बाहर जाके सीखते हैं या पाकिस्तान में जो है वो उनको सिखाई जा रही है. स्पेशल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप देखें मैनिपुलेशन है, ड्राई नीडलिंग है, डायनेमिक, जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन पर बड़े बड़े कोर्सेज किए जाते हैं और इंटरनेशनल ट्यूटर्स उनको कराते हैं, और पाकिस्तान में कम खर्चे में, बजाय इसके कि आप वहाँ जाके करें और नहीं किसी के रिसोर्सेज होते, रिसोर्सेज की कमी होती है और पैसा भी जाहिर है बहुत लगता है. तो इसीलिए यहाँ पर निज़ाम किया गया है इस तरह के कोर्सेज का, ऐसे तमाम, ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं, और इसमें जो है उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, कोर्सेज होते हैं बाकायदा, उसमें उनका एग्ज़ाम भी लिया जाता है, फिर उस तरह उनको सर्टिफाइड कर दिया जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मतलब ये कि ऑनलाइन कैसे है, आई मीन क्या कोई जैसे आजकल वो जूम करके भी कोई एक उसके आई मीन इस तरह से, या कैसे मतलब इसका क्या प्रोसीजर है? अगर सपोज करें अगर मैं चाह रहा हूँ कोई कोर्स करना तो मैं क्या करूँ? देखिए इस कोर्स को जैसे हर कोई नहीं कर सकता, जैसे अगर मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल मेडिकल की बात हो रही है, मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट करना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, जी जी, तो देखें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी डिग्री हो, ग्रेजुएशन किया हुआ हो, या अगर आप स्टूडेंट भी हैं, तो मतलब जो ये टेक्निक्स हैं ये वो है ना जो पेशेंट पे एप्लीकेबल है, यानी हर एक नहीं कर सकता, इसके लिए खास क्राइटेरिया होता है जिसको जज किया जाता है, उसके बेसिस पे फिर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन. अच्छा, इसमें वर्चुअल लर्निंग भी है कि आपको ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार भी दिए जाते हैं, लेकिन वैसे ये प्रैक्टिकली यहाँ पर पाकिस्तान में ही बड़े बड़े इनके वेन्यू होते हैं, डिफरेंट होटल्स में होता है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्यूटर्स आते हैं, वो वहाँ पर आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, और उसके बाद फिर उसके में असेसमेंट होती है, जिसके बेसिस पे जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं फिर उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है. अच्छा, मतलब यहाँ ये हो रहा है जी, प्रैक्टिकल ही होता है यहाँ सब. नहीं, एक खास ऑर्गेनाइजेशन है यानी डॉक्टर अनुल्ला हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही अब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं, और अभी मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन मतलब जो टेक्निक्स हैं उसमें अब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं. जिस तरह आप माशाल्लाह आई मीन बहुत सारी चीज़ों में यू आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि बेसिकली बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कितना इंटरेस्ट ले रहा है. सिर्फ ये नहीं कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो यू फील कि मैं अब हो गया ना, ऐसा नहीं है. आपका अपना भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, 100% यू सपोज टू बी इन, आई मीन ऐसा ही. जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? ब्रेक नहीं ले रहा हूँ मैं. जी सर, असल में हम आपको क्वालिटी ऑफ वर्क देने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को देखना और उसे समझना और परखना ज़रूरी होता है कि अगर आप पेशेंट जो है किसी ऐसे जगह गया है जहाँ पे उसे फ़ायदा फायदियत नहीं हो रही और उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो डिफरेंट टेक्निक्स के से गुजरता है, फिर वो ऐसे जो लोग हैं जो इन कोर्सेज को किए हुए होते हैं तो फिर पेशेंट उनकी तरफ आता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, डॉक्टर शबाना इसको ज़रूर आंसर करें, क्योंकि इसके क्रेडिट आर्ट्स के बारे में और प्लस ये है कि कितना ये हेल्पफुल हो सकता है बाहर जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और पाकिस्तान में भी बहुत है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका पेशेंट एडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है उनको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और असल चीज़ तो ये है ना कि पेशेंट पर जब ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं तो कितना बेनिफिट है. तो और आने वाला स्पेशली एक चीज़ सवाल और है कि आने वाला एक कोर्स है तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शबाना उसका जरूर जिक्र करें, और वो इसलिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्लीज जरूर वॉच कीजिए. जी डॉक्टर, आप क्योंकि टाइम इज रनिंग नाउ तो आप अपना मैसेज भी दे डालें और ये बिल्कुल बताएं आप. जी जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, देखिए इसके हर कोर्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं, ये क्रेडिट आवर्स सबको जो भी पढ़ते हैं उनको पता है, जब आप बाहर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप पाकिस्तान में भी जॉब करते हैं, क्रेडिट आवर्स आपके लिए आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें हमारे डिफरेंट हैं. हम अभी जैसे मैं आपको बताऊँ लेटेस्ट टेक्निक्स है ऑर्थोपेडिक
आयुर्वेदिक मैनुअल थेरेपी, उसके ऊपर भी जो है अभी एक कोर्स आ रहा है, बहुत बड़ा कोर्स है, उसको जितने भी डॉक्टर्स, न्यूरोफिजिशियन और ऑर्थोपेडिक वाले ये सारे कर सकते हैं, और इनको क्रेडिट आवर्स भी इसमें मिलेंगे। और फिर ये प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें प्रैक्टिस कराई जाती है पेशेंट्स के ऊपर, आम मॉडल्स के ऊपर, जिससे जब कोर्स करते हैं तो उस वक्त ही आप तकरीबन जो है 80% इतने परफेक्ट हो जाते हैं इस फील्ड में, उस काम में जो आप कोर्स करते हैं। और डीपीटी स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि डीपीटी वाले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट भी इसमें बहुत आते हैं, मतलब जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, वो जिनका मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोमस्कुलर से ताल्लुक होता है, वो सब लोग इन कोर्सेज को कर सकते हैं। मतलब ये तो बड़ा इजी हो गया कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और ही है तो और बात है, लेकिन अदरवाइज बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। अब लो प्राइस पे, असल चीज़ तो ये है ना कि लो प्राइस पे अवेलेबल है और आप यहाँ कर सकते हैं, और क्योंकि आप डिमांड भी है हमारे, क्योंकि आप इंटरनेशनली वो चीज़ें कराई जाती हैं और ज़ाहिर है कि डिमांड है और आपको ज़रूर करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि ये कोर्सेज आ रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल हैं, हमारे पेशेंट के लिए और हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई और मैसेज? देखिए एक तो नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगी, मैं जैसे अभी हमारे पास पेशेंट आए अमेरिका से, वो हमें मुझे आके यही बता रही थी कि हम वो मेरा पोस्चर करेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रैपिंग कर देते थे अमेरिका में, अब वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, वही यही कोर्सेज हम यहाँ कर रहे हैं, वही टेक्निक्स हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम दुनिया से पीछे नहीं रहे, हम पाकिस्तान में रहते हुए भी ये कर रहे हैं। और एक और छोटी सी मैसेज, जैसे हम बैग्स की बात कर रहे थे, देखिए बैग्स के लिए हमें ये चाहिए कि जैसे बड़े कंपनीज बना रही हैं, एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड, जैसे FDA अप्रूव्ड होता है, इस तरह एक स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए, बैग्स का एक मॉडल जो है वो फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि डबल पैडेड जो है वो आपके स्ट्रैप्स होने चाहिए, शोल्डर के आपका वेस्ट का स्ट्रैप होना चाहिए, आपके बैग्स का बैक वाला पोर्शन भी पैडेड होना चाहिए, बैग के जो है मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होने चाहिए ताकि उसका वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपकी बैग पे, एक खास मॉडल, एक खास नमूना जो है वो अप्रूव होना चाहिए, बैग नहीं लटकाना हाँ चाहिए। और एक साइड पे वो भी बैग जो है वो दोनों शोल्डर्स पे होना चाहिए, एक साइड पे नहीं। इसको हम थोड़ा सा, ये टाइम इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि इसको थोड़ा सा और भी टाइम लेंगे अगले प्रोग्राम में, क्योंकि पोलियो भी है, वो उससे भी रिलेटेड है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जो इस वक्त जो मैं समझाऊँ इस प्रोग्राम में, वो तो हमने गाइड करने की कोशिश की, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन मीन टाइम जो कोर्सेज के बारे में बताया, इसके बारे में प्लीज़ आप ज़रूर गौर कीजिएगा, जितने भी अपकमिंग हमारे डॉक्टर्स हैं। देखिए हर चीज़ हो रही है हमारे मुल्क में, रियली मतलब नो डाउट, बाहर की बात कुछ और है लेकिन यहाँ भी हो रहा है, हम पीछे नहीं है। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर शबाना ने और डॉक्टर नसरुल राणा साहब ने कि हम कहीं से भी दुनिया से पीछे नहीं है, अल्लाह का बड़ा कर्म है सर, एक टैलेंट तो हमारी, यह क्या बात है। जी सर, एक छोटी सी बात है कि अगर किसी को इस तरह के कोर्सेज की कोई डिज़ायर है, कोई करना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर शबाना या मुझसे राब्ता कर सकते हैं आपके थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको गाइड करेंगे ये कहाँ हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सॉरी, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको, लेकिन देखिए कोर्सेज के बारे में आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदा होगा। माँ बाप ज़रा केयर करें अपने बच्चों पे, नज़र रखें उनकी हेल्थ पे स्पेशली, और खाने पे, और स्कूल वाले कैंटीन वालों पे, तो माइंड ना कीजिएगा, कोई भी हमारी कोशिश है बेहतरी सबके लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं इंशाल्लाह, थोड़े से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पोलियो के बारे में बात की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में कुछ थोड़े से और डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल राणा हेल्दी नजर आएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।